Thank you. You can argue this lab before NSS coordinator of the University of Jammu. Please, ma'am, okay? Please. Very good morning. I, on behalf of principal of the college for the day, Dr. Samita Nair, Professor, Department of Law, University of Jammu, I welcome Dr. in the house to the students and ask the students to start the proceedings. Thank you. भव्य भवन में ये मेरा पहला संबोधन है। आज के अमृत काल की शुरुआत में ये भव्य भवन बना है। यहाँ एक भारत श्रेष्ठ भारत की महक भी है, भारत की सभ्यता और संस्कृति की चेतना भी है। इसमें हमारी लोकतांत्रिक और सांस्कृतिक परंपरा के सम्मान का प्रण भी है। साथ ही 21वीं सदी के नए भारत के लिए नई परंपरा के निर्माण का संकल्प भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस नए भव्य भवन में नीतियों पर सार्थक संवाद होगा। ऐसी नीतियां जो आजादी के अमृत काल में विकसित भारत का निर्माण करेंगी। मैं आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देती हूं। माननीय सदस्यगण, ये हमारे संविधान के लागू होने का भी 75वां वर्षगांठ है। देश ने अपने गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया। 75वें साल बाद युवा पीढ़ी ने फिर स्वतंत्रता संग्राम के उस कालखंड को जिया। इस उत्सव के दौरान मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश भर के हर गांव की मिट्टी के साथ अमृत कलश दिल्ली लाया गया। माननीय सदस्यगण, कोई भी राष्ट्र तेज गति से तभी आगे बढ़ सकता है जब वे पुरानी चुनौतियों को पूरा परास्त करते हुए अपनी ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा भविष्य निर्माण में लगाए। पिछले 10 वर्षों में भारत ने राष्ट्रहित में ऐसे अनेक कार्यों को पूरा होते हुए देखा है जिनका इंतजार देश के लोगों को दशकों से था। सफलता के साथ आदित्य मिशन लॉन्च किया, धरती से 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर अपनी सैटेलाइट पहुंचाई। ऐतिहासिक G20 समिट की सफलता ने पूरे विश्व में भारत की भूमिका को सशक्त किया। भारत ने एशियन खेलों में पहली बार 100 से अधिक मेडल जीते। जम्मू और कश्मीर आरक्षण कानून से वहां भी जनजातीय समुदाय को प्रतिनिधित्व का अधिकार मिला। बीते 10 वर्षों में भारत को फ्रेजाइल 5 से निकलकर टॉप 5 इकोनॉमी में शामिल होने लगा। माननीय सदस्यगण, मेरी सरकार युवा शक्ति, नारी शक्ति, किसान और गरीब को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। नीति आयोग के अनुसार मेरी सरकार के एक दशक के कार्यकाल में करीब 25 करोड़ देशवासियों गरीबी से बाहर निकले हैं। 4 करोड़ 10 लाख गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला। लगभग 11 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पाइप से पानी पहुंचा। कोरोना काल से ही 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अब इसे आने वाले 5 वर्षों के लिए भी आगे बढ़ा दिया गया है। साल 2014 तक देश में केवल राह बनाएगा। वर्ष 2047 को देखने के लिए अपने साथी तो इस सदन में नहीं होंगे, लेकिन हमारी विरासत ऐसी होनी चाहिए कि तब की पीढ़ी हमें याद रखे। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रेसिडेंट एंड ऑनरेबल मेंबर्स, आई एक्सटेंड my best wishes to all of you. Honorable members,
This year is also the 75th year of adoption of our constitution. India got its largest sea bridge, the Atal Setu. India got its first Namo Bharat train and the first Amrit Bharat train. I appreciate all of you for having elected the Nari Shakti Vandan Adhiniyam after the wait of 3 decades. This is the way we can ensure the participation of women in the Lok Sabha and legislative assemblies. Today, India is the world's second largest producer of mobile phones. Today, every Indian feels proud on seeing the country's indigenous aircraft carrier INS Vikrant. Honorable members, my government believes that the grand edifice of Viksit Bharat will be elected on 4 major pillars. These pillars are youth power, women power, farmer and poor. My government is working at every level to strengthen Nari Shakti. This year, Republic Parade was also dedicated to women empowerment. My government is making farming more profitable. Our aim is to reduce the cost of farming while increasing profits. Under the PM Kisan Samman Nidhi scheme, farmers have received over 2,80,000 crore rupees so far. My government has made India one of the world's leading digital economies. This has provided employment to crores of youth. My government is continuously taking new initiatives for the educational and skill development of India's youth. For this, a new Namana Adhinayaka Jayahe Bharata Bhagya Vidhata Panjab Sindh Gujarat Maratha Dravida Uttara Banga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Poochala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 के तीसरे क्षेत्र में आप सभी का स्वागत है। आज संसद का विषय है अंतरिम बजट 2024 से 2025। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वह सभा का संबोधन करें। जनगणमन संघ विश्व पटल पर छाया देश हमारा, 100 जन्म है जिस पर न्योछावर, वो भारत देश हमारा, वो भारत देश हमारा। धूल नहीं है धरा हमारी, ये सदियों का अभिमान है, 100 जन्म भी जिस पर न्योछावर, वो भारत देश महान है, वो भारत देश। आदरणीय सभापति जी, मैं यहाँ आदरणीय राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी के अभिभाषण में चर्चा के लिए स्थापित हुई। मैं उन्हें आदर पूर्वक धन्यवाद देता हूँ। आज राष्ट्रपति जी का ये भाषण और आगे प्रस्तुत होने वाला अंतरिम बजट नारी शक्ति का साक्षात्कार पर्व होने वाला है। उन्होंने अपने भाषण में भारत के आत्मविश्वास की बात, भारत के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास प्रकट किया और भारत के कोटि कोटि जनों का जो सामर्थ्य है उसे कम शब्दों में बेहद शानदार तरीके से देश के सामने रखा। विकसित भारत के संकल्प को बढ़ावा देने के लिए और राष्ट्र को दिशा निर्देश करने के लिए उन्हें मेरा आभार। बजट 2024-25 का अंतरिम बजट तो है, लेकिन ये इंक्लूसिव और इनोवेटिव है। इसमें कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ
युवा, गरीब, महिला और किसान को एम्पावर करेगा। ये चार स्तंभ जितने मजबूत होंगे, जितने समृद्ध होंगे, हमारा देश उतनी ही तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। महोदय, ये बजट युवा भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में रिसर्च एंड इनोवेशन और स्टार्टअप्स के लिए बड़े निर्णय लिए गए हैं, ताकि भारत 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए युवाओं में अनगिनत रोजगार जनरे। वित्त मंत्री जी का ये बजट देश के निर्माण का बजट है। इसमें विकसित भारत 2047 की नींव को मजबूत करने की मेरी गारंटी। और उनकी टीम को हार्दिक बधाई देता हूँ। संविधान और बजट के इस महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए सभी भारतीयों को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। वित्त मंत्री जी। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर। विद ड्यू कंसेंट ऑफ द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड अदर कैबिनेट मिनिस्टर, आई प्रेजेंट द इंटरिम बजट for 2024. But before presenting the budget, Honorable Speaker, I would like to bring to notice of every member of the House the key achievements done by our government. By putting the spectacles of belief and open-mindedness, we can clearly see that the Indian economy has witnessed a profound positive transformation in the last 10 years. The people of India are looking ahead to the future with hope and optimism. When our government, under the dynamic and visionary leadership of Honorable Prime Minister, assumed office, the country was facing enormous challenges. Yes, there were enormous challenges. किश्ती चलाने वालों ने जब हार के दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और मौज मौज मजदार हमें, फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको कि हालात में आता है दरिया करना पार। इंप्लीमेंटेड एंड फॉर्मुलेटेड प्रॉम्प्टली, कंडीशंस वर क्रिएटेड फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, द इकोनॉमी गॉट अ न्यू विगार, द फ्रूट्स ऑफ डेवलपमेंट स्टार्टेड रीचिंग द स्केल, द कंट्री गॉट अ न्यू सेंस ऑफ विगार एंड गॉट फॉर द ऑनरेबल स्पीकर, विद योर परमिशन I will be reading the main clauses of Interim Budget 2024. Clause number 1, Inclusive Development and Growth. As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on four major castes. They are Garib, Mahilaen, Yuva and Annadata. Honorable Speaker, their needs, aspiration and their welfare are our highest priority. हमारा मानना है कि ये चार प्रमुख जातियों के कल्याण से ही हमारे देश भारत का कल्याण मुमकिन है। एंड यस, वी डू एग्री दैट देयर एम्पावरमेंट एंड वेलबींग विल ड्राइव द कंट्री फॉरवर्ड। एंड आवर बजट इंक्लूड द फॉलोइंग सब क्लॉज 1, गरीब का कल्याण, देश का कल्याण, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ऑफ ₹34 लाख करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट using PM Jan Dhan accounts has led to savings of ₹2.7 lakh crore for the government. In these 10 years, the government has assisted 25 crore people to get freedom from multidimensional poverty. But here, let me take the notice of the house to the headcount ratio between 2005 and 14. The stats show that the 55.3% of multidimensional poverty in 2005 to 6 and in 24, currently it has decreased to mere 11.3%. हमको उनसे थी वफा की उम्मीद जो नहीं जानते थे वफा क्या है। PM Swanidhi has provided credited assistance to 78 lakh street vendors. Sub clause 2, empowering the youth, Amrit PD. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth and established 3000 new ITIs, 7 IITs, 7 IIMs, 15 AIIMS and 390 universities. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans
aggregating to rupees 22.5 lakh for entrepreneurial inspiration of our youth. Clause, sub-clause second, welfare of farmers, that is Annadata. Farmers are our Annadata. Every year under PM Kisan Samman Yojana, direct financial assistance is provided to 11.8 crore farmers, including marginal and small farmers. Crop insurance is given to 4 crore farmers under PM Fasal Bima Yojana. ENAM has integrated 1361 mandis and is providing services to 1.8 crore farmers with trading volume of rupees 3 lakh crore. Subclass 4, Momentum for Nari Shakti. 30 crore Mudra Yojana loans have been given to women entrepreneurs. Female enrollment in higher education has gone up by the 28%. 28% in just 10 years. In STEM courses, girls and women constitute 43% of enrollment, one of the highest in the world. All these majors are getting reflected in the increasing participation of women in workforce. Main clause second, vision for Viksit Bharat. Our vision for Viksit Bharat is that of prosperous Bharat, is harmony with nature, with modern infrastructure, and providing opportunities for all citizens in all regions to reach their potential. As Honorable Prime Minister in his Independence Day address to the nation mentioned, there is no dearth of opportunities as we want. The country is capable of creating more opportunities. हमारा ये मानना है जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का फिर देखना फजूल है कद आसमान का. Clause number 3, strategy for Amrit Kaal. Sub clause 1, sustainable development. Rooftop solarization. 1 crore households will be enabled to obtain up to 300 units of free electricity per month. 10 crore LPG connections released, 36.9 crore LED bulbs, 72.2 lakh LED tube lights and 23.6 lakh energy efficient fans distributed under Ujala. 1.3 crore LED street lights installed under SNLP. Subclause second, infrastructure and investment. Implementation of 3 major railway corridor programs under PM Gati Shakti to improve logistics efficiency and reduce costs. Promotion of foreign investment via bilateral investment rate fees to be negotiated. Promotion of urban transformation via metro rail and Namo Bharat. Clause 4, health. Encourage cervical cancer vaccination for girls up to 9 to 14 years, Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 to be expedited for improved nutrition delivery, early childhood care and development. Health cover under Ayushman Bharat scheme to be extended to all Asha Anganwadi workers and helpers. Honorable Speaker, with your permission, I will be briefing the House about the where rupee comes from and where rupee goes to. Income tax 19%, borrowing and other liabilities 28%, union excise duties 5%, corporation tax 17%, non-tax receipts 7%, non-debt capital receipts 1%, customs 4%, GST and other taxes 18%, and rupee goes to pensions 4%, other expenditure 9%, interest payments 20%, centrally sponsored schemes 8%, finance commission and other transfers 8%, central sector schemes 16%, and defense 8%. Thank you all. नजरों से उतर जाते हैं
इतने समझौतों में जीते हैं कि जमीर भी मर जाते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय व संसद में उपस्थित सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। महोदय, सरकार पिछले 10 सालों में हर बजट सेशन में बड़े बड़े वादे करती आई है, बड़े बड़े नारे लगाती आई है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन नारों से विकास नहीं होता, विकास के लिए हमें हकीकत को सामने रखकर बजट भी बनाना पड़ता है। नेता के रूप में मैं संसद के सामने कुछ अहम मुद्दे रखना चाहूंगा जिनकी वजह से भारत का वैश्विक संकेतक गिरा। पहला और सबसे अहम मुद्दा भूखमरी। ऑनरेबल स्पीकर, आई कोट द ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2024, जिसमें यह साफ साफ लिखा गया है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा देश है जो भूखमरी के मामले में 125 देशों में से 111वें स्थान पर है। 111वां स्थान बहुत ही शर्मनाक बात है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी हमारा हाल बेकार है। आप पहले सुनने का धीरज रखिए, ना आप सरकार चला सकते हैं ना आप सुन पाते हैं। सुनिए तो सही पहले। भारत दुनिया की सबसे बड़ी आबादी के साथ कुपोषण का शिकार हिंदुस्तान किस तरह विकसित बनने की ख्वाहिश कर सकता है? आई अगेन कोट द डेकन हिल रिपोर्ट ऑफ 2024, जिसमें ये अनुमान है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए अगले 25 वर्षों तक हर साल 7.6% के दर से विकास करना होगा। भारत का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान में $2500 अनुमानित है, जबकि 2047 तक ये 21,665 से अधिक होनी चाहिए। महोदय, सवाल ये उठता है कि भारत इस विशाल अंतर को पूरा करके इस बड़े लक्ष्य को कैसे प्राप्त करेगा? सिर्फ विकसित भारत के नारे लगाने से भारत विकसित नहीं हो जाएगा। घोटालों में जब भारत के उच्च उद्योगपतियों का नाम आता है जिनकी वजह से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है, वहाँ सरकार आवाज उठाने के बजाय चुप्पी साधती है। उनके मामलों में कभी कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाता और हर बार उन्हें ग्रीन चीट दे दिया जाता है। महोदय, स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर सरकार ने कुछ गलत किया है तो आप कहते हैं कि ये गलत है, लेकिन सत्ता पक्ष के राज में हमें सही को सही और गलत को गलत कहने का भी अधिकार है। सवाल तो सुनिए, जवाब तो हम सुन ही लेंगे। बजट की डिटेल्स देखकर तो लगता है कि सत्ता पक्ष का असली मकसद सिर्फ कॉर्पोरेट कॉर्नर्स को खुश करना, आम जनता को इग्नोर करना और किसानों को धोखा देना। अब मैं हिंदुस्तान के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और मिनिस्ट्री से यह सवाल करूंगा कि क्या मिनिस्ट्री यकीन दिलवा सकती है कि वो अपने वादों पर खरे उतरेंगे? UGC का बजट 61% से घटा दिया गया है और IIT और IIM का पैसा भी कम कर दिया है। क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि भविष्य में बजट कट से शिक्षा की कुर्बानी नहीं होने देंगे? साथ ही फॉर्म निर्णय में पूर्णता और छात्रों के मुद्दे का समाधान करते हुए हरी वादों पर निर्भर नहीं। और अंत में, अब जब 2024 का चुनाव आ ही गया है तो कम से कम 2024 के चुनाव से पहले जो इन्होंने न्यू इंडिया के वादे किए थे उनका आंकलन भी तो होना चाहिए, जिसमें से कुछ वादों पर मैं जोर डालना चाहूँगा। इनका सबसे बड़ा वादा था कि 2022 तक हर भारतीय के पास 24 घंटे सातों दिन बिजली होगी, यानी कि 24x7 इलेक्ट्रिसिटी। एक सूबे को छोड़कर, वो भी जहाँ इनकी सरकार नहीं है, उस सूबे को छोड़कर भारत के किसी एक भी सूबे में अगर 24 घंटे बिजली है तो मैं सरकार के मंत्री को चुनौती देता हूँ कि मुझे बताया। दूसरा सबसे बड़ा वादा जो इन्होंने किया था कि हर भारतीय के पास 2022 तक शौचालय होगा, यानी कि एक्सेस टू टॉयलेट। अगर ये वादा पूरा हो गया होता तो ओपन डेफिकेशन भारत में बढ़ना के नाम के वास्ते इन्होंने इमारत खड़ी भी कर दी है, वहाँ पानी का सप्लाई नहीं होगा। क्या ऐसे बनेगा विकसित भारत? क्या ऐसे आप अपने लक्ष्य प्राप्त करेंगे? ये वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया है। महोदय, अब किस मुंह से ये 2024 का चुनाव में लोगों से वोट मांगने जाएंगे? मेरा सत्ता पक्ष से ये सवाल है कि ये बजट है या फिर किसी धोखे का आगाज? क्या बजट ये बजट आपने किस देश के लिए बनाया है या फिर ये एक नया नाटक है अपने वोट बैंक के लिए? अब नाटक बंद करने और प्रस्तुति शुरू करने का समय आ गया है, क्योंकि जनता को चाहिए रिजल्ट, ना कि आपके खोखले वादे। महोदय, कई बातें कहीं विपक्ष नेता है। इन्होंने कहा इस्तीफा दे दो, कुर्सी खाली करो। मैं पूछता हूँ, ये कैसा अहंकार है कि यहाँ आने की इतनी जल्दी है?
करण में जुटे थे, हम नागरिकों के संतुष्टिकरण में जुटे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात, ग्लोबल हंगर इंडेक्स गलत प्रणालियों के कारण भारत जैसे विशाल उन्हें अपना पक्ष तो रखने दीजिए, क्योंकि ये पोषण अभियान, ईट राइट इंडिया मूवमेंट, जीरो हंगर प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम जैसी कई सरकारों के अभियानों को ध्यान में नहीं रखते। हमने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना से यूनिवर्सल हाउसहोल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन हासिल की है और अब हमारा ध्यान है 2400 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का। ये हास्य की बात है कि राष्ट्र विकास दर के महत्वपूर्ण आंकड़ों के लिए विपक्ष डेकन हेरल्ड जैसे आम अखबार का सहारा लेता है। महोदया, वित्त मंत्रालय के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2024 में जीडीपी में 7.6% की बढ़ोतरी और केवल थर्ड क्वार्टर में ही 8.3% ग्रोथ रेट सामने आया। अर्थव्यवस्था बनते रहेंगे और 2031 और हमारा वादा है हम आपको सत्ता में लेकर ₹7 ट्रिलियन तक पहुंचाकर अपर मिडिल इनकम नेशन की सूची में शामिल नहीं करेंगे। आप सिर्फ वादे करना जानते हैं, ये हमने देखा है और देश की जनता को दिया जवाब दीजिए। आप जानती हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे निष्कासित करना पड़ेगा आपको। ये जनता बेवकूफ है महोदया। इन्होंने कहा कि सरकार मध्यम और गरीब वर्ग के लिए कुछ काम नहीं करती, पर गरीबी रेखा के ऊपर आए 25 करोड़ लोग, 99% सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े निवासी, पीएम उज्ज्वला से 10 करोड़ लाभार्थी, आयुष्मान भारत से लाभान्वित 50 करोड़ भारतीय तो कुछ और कहते हैं। ये जनता के रोजमर्रा के अनुभव है, विपक्ष की मनगढ़ंत कहानियां नहीं जो जनता यूं ही भूल जाए। महोदय, ये औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी, ये औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी पर अपने गिरेबान में झांका नहीं। पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया गुणवत्तापूर्ण विकास कर रहे हैं।
यहाँ तक कि स्किल इंडिया मिशन ने 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया है और 64 लाख युवाओं को प्रशिक्षित और पुण्य कुशल बनाया है। एजुकेशन बजट में इस साल 1.16 ट्रिलियन की जगह 1.25 ट्रिलियन एलोकेट किए हैं। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी उत्तम संस्थान के रूप में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण स्थान विकसित किए जाएंगे और यह वादा है आपसे मेरी सरकार का। According to the interim budget of 2024 to 2025, Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth. Moreover, as per one budget, 3000 new IITs have been established. But what about the students of IITs who are failing to secure placement this year? Placement between 2019 to 2023 could not secure a job. I think the government is focusing on establishing new institution, but what about the future of the students studying in this institution? What about their placement? जवाब दीजिए, आप अपने रोजगार कैसे देंगे? माननीय सभा महोदय की अनुमति से मैं सदस्यों को ये बताना चाहूँगी कि आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। एक ऐसे देश में जहाँ मौजूदा समय में 50% से ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है, जिसमें 65% युवाओं की उम्र 35 वर्ष से कम है, इसी को देखते हुए सरकार स्किल इंडिया में प्रतिवर्ष 24 लाख से अधिक युवाओं को स्किल्ड किया जा रहा है। 10वीं-12वीं पास या 10वीं-12वीं स्कूल बीच में छोड़ने वाले युवाओं को उद्योग से संबंधित परीक्षण मिलता है। हाँ, स्किल इंडिया मिशन और इसके तहत चलने वाले कई अपस्किलिंग प्रोग्राम्स ने भारतीय यूथ को रोजगार और सस्टेनेबल करने से एक मिनट इस तरह
increase of 127% PG seats and 82% increase in medical college. And I will add to this that 157 new nursing colleges have already been sanctioned in April 2020. And creating again 157 new nursing colleges. Madam, Ayushman Bharat program started by government has already addressed tertiary. Ma'am, which can trace such accidents, and you know what, our government is
very persistent and is making serious efforts to make our railway system totally upgraded. Also, the House should not be ignored, as the Finance Minister totally mentioned that the allocation to the railways this year, that is 2024, is up by 5.8% of the last year. And this year, our government has allocated rupees 2.55 lakh crores. I'm repeating again, 2.55 lakh crores to the government, to the railways. I hope that your query must have been addressed. Thank you. माननीय महोदय, जैसे कि माननीय वित्त मंत्री ने कहा कि महिलाओं का कल्याण ही हमारे देश का कल्याण है, लेकिन ये देश की जनता से छुपा नहीं है कि महिलाओं के आदर और सम्मान इनके शासन में आदीन अनाधारित होता जा रहा है। वो कहते हैं ना, जब कश्ती साबित और सालिम थी, साहिल की तमन्ना किसको थी? अब ऐसी शिकस्ता कश्ती पर साहिल की तमन्ना कौन करे? Of the Honorable Chair, I would like to question the Honorable Minister. The budget mentioned the special reference of STEM courses, but it's commendable that the female enrollment in higher education, particularly in STEM courses, has seen a significant rise. The disconnect between academia and corporate representation is quite concerning. Despite efforts to increase the number of women employees, the exit to junior level remains high. Despite the high proportion of female STEM graduates, women graduates of less than third of the STEM workforce in India at 27%. I repeat, 27% according to the World Bank data. Can the minister provide me a detailed plan on how it intends to address this gap and ensure that the increased participation of women in higher education translates into tangible improvements in gender diversity across the corporate sector? Additionally, while the increase in women entrepreneurs is noted, there seems to be a gap between the government's initiatives and the actual economic empowerment of these women. Many women entrepreneurs, especially in rural areas, I repeat, in rural areas, are yet to start earning from their business despite government loans that they have taken on their head. Can the minister provide me the insights into how the government plans to bridge this gap and ensure that women entrepreneurs not only have access to resources but also achieve sustainable economic independence? As the budget mentioned, the schemes like Lakhpati Didi, I would like to question the minister that how these schemes like Lakhpati Didi are not just tokenistic gestures that they carry their way, but contribute meaningfully to the empowerment and self-reliance of women across all the sectors of the society. The government cannot hide behind rhetoric and empty promises any longer. We demand accountability, we demand justice, and we demand real empowerment for the women of our nation. Honorable Speaker, as a member of ruling party, I totally disagree with the exertion that there is a disconnection between academic achievements and corporate representation. It's important for someone to understand that transition from academia to corporate life is infused by various factors beyond government control, such as individual career choices, organizational culture, and societal norms. Let me remind you, ma'am, we are committed to continuously improving the landscape for women in the workforces. Our ongoing efforts include providing mentorship programs, fostering leadership development opportunities, and promoting a culture of inclusivity in workspaces. Additionally, we are encouraging private sectors, stakeholders to take proactive resources to enhance gender diversity and support women career progress. To your second question, I would like to answer. There has been an increase in the number of women starting businesses. Currently, India boosts 13.5 to 15
13.7 million businesses owned by women. I repeat, 13.5 to 15.7 million businesses owned by women. With appropriate initiatives, this number could potentially rise to 31.5 million by 2030. Our government is committed to ensure sustainable economic independence for women entrepreneurs. We have implemented various schemes to support them, such as Mudra Yojana, which provides room to women starting small businesses. According to MSME Ministry data, out of 6.33 crores MSMEs in the country, around 20% are owned by women. However, we understand to help women entrepreneurs succeed. Additionally, we are actively working to create a conducive environment for women entrepreneurs, especially in rural like Lakhpati Didi, strive to empower women associated with self-help groups to have an annual household income exceed 1 lakh. So, adopting sustainable livelihood. Let me put before the House that our government committed to ensure that such programs contribute effectively to women advancement across all sectors of society. We are hence steadfast in our commitment to advance women empowerment and ensure a bright future for all. Thank you. Providing insurance to all types of property, and here we are already in 2024. Neither the income has doubled, nor insurance has doubled. I just want to question the very first foundation of the insurance policy, this block level from end of the government. And let me tell you, in a block there are number of villages, and many times farmers are deprived of their insurance. Furthermore, MSP as of now is granted to only two crops, and the farmers have been continuously asking for expanding the benefits of MSP to other crops. Great financial assistance to 11 crore farmers and many more. But in reality, we all know, as always, your government has made false promises not only to the farmers but to the whole youth of India, and you are not able to fulfill your promises. Fasal Bima Yojana. The scheme will be administered under the Ministry of Agriculture and Farmer Welfare, Government of India. There will be a uniform premium of only 2%. I repeat, there will be a uniform premium of only 2% to be paid by the farmers for all kharif crops and 1.5% for all rabi crops. And we assure that if we brought to power again, we will try to generate the resource and revenue to meet the MSP for the rest of the world. And yes, we are still committed to our words that we will double our income, but we cannot fight the wrath of the monsoon. We all know that India is facing the wrath of the monsoon, doesn't we? From past 10 years, I repeat, from past 10 years, we are facing the wrath of the monsoon, and with the conservation and alternative years of El Nino and La Nina. That's the natural part, and we are at the mercy of the nature. The Ministry of Defence raises great hopes, but I would like to take an account of security environment in our immediate neighbourhood. Madam, budget has come in a fast deteriorating global security environment, which is not by word. As we all know about that, increased economic rivalry between China and USA has made the South China Sea more vulnerable, and their colleagues. South China Sea is India's important gateway to global trade and commerce. So my big concern is India's ongoing border crisis with China and everyday growing ties between China and Pakistan. These ties have brought northern borders and frontiers of India under serious security threat. I ask you, madam, what measures are being taken on this security concern? The allocation for ministry modernization presented in the budget by our worthy finance minister reflects a major hike of 6.17%. So my simple question in this house, in view of the ongoing standoff with China and looking at the situation in Jammu and Kashmir, madam, is this budget allocation enough to meet the security challenges? Incoming
क्षमता और युद्ध अभ्यास को बढ़ावा दे। इस योजना को वर्ष 2024 में मिशन मोड पर शुरू किया जा रहा है। यह घरेलू तकनीकों के साथ आधुनिक और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारत की तैयारी को स्पष्ट करता है। मैं सदन को बताना चाहती हूँ कि भारतीय सेना 2024 को ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन के रूप में मनाएगी, जिसमें सेना घरेलू हथियारों को अधिक आधुनिक बनाने का काम करेगी। राष्ट्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता के कारण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार की इस रणनीति का एक प्रमुख पहलू रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। हम उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा उद्योगिक गलियारे यानी डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित कर रहे हैं। ये कॉरिडोर नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार निजी क्षेत्र और शिक्षाविदों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगी। हमारा निर्यात 1,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 16,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो कि विश्व निर्यात के रूप में भारत के बढ़ते कद को दर्शाता है। सशस्त्र बलों को लैस और सशक्त बनाने पर सरकार का ध्यान ये सुनिश्चित करता है कि वे भारत के हितों की रक्षा करने और किसी भी खतरे का निर्णायक जवाब देने के लिए तैयार रहे, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, हम तैयार हैं। आशा करती हूँ कि मेरे पूछे गए जवाब का सवाल का जवाब मिल गया होगा। धन्यवाद। ऑनरेबल मैडम, द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट ईनैम दैट द गवर्नमेंट एक्चुअली बूस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली विच वॉज इनविजन एज यूनिफाइड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीकल्चर मार्केट। Let me tell the House members, in Port of India, it has faced challenges in allocating the funds to the marginalized and the small farmers. Also, the recent data shows that only 15% of farmers are registered on this platform due to the limited access to the internet and the technical challenges. Madam, there is no point of introducing the scheme when you can't implement it effectively on the ground. वैसे तो मोहतर माँ, आपके एक ही सवाल में आपके कई सवाल हैं, पर हाँ, हम आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि हम जवाब देने के लिए तैयार हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य कर रहा हो तो उस पर सवाल तो कई उठाए जाते हैं, पर हम अपने कार्यों में इतने सफल हैं कि हम आपके सवालों का जवाब दे सकें। जैसे कि आपने कहा कि ईनाम पर आज केवल 15% ही किसान सक्रिय हैं, तो इस पर मैं आपको बता दूं कि आपके स्टैट्स शायद आप यूं ही ले आई हैं। आज के समय पर 17 मिलियन किसान ईनाम पर सक्रिय हैं, 17 मिलियन, जो हमारे देश के 25% किसान की जनसंख्या है। बूंद बूंद से ही तालाब भरता है। ऐसा कौन सा तालाब है आपका जो पिछले 10 सालों से भरा ही नहीं है? ये हमारे उपलब्ध कराने के लिए क्या कर रही है, तो मैं आपको बता दूं
कि सरकार ने सभी पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड इंटरनेट। मोहतरमा, हर सभी किसान के पास स्मार्टफोन नहीं होते। ध्यान से सुनिए, पंचायत किसान पंचायतों के ही अंतर्गत आते हैं। राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क शुरू कर दिया है। सरकार ने एग मार्केट नामक एक वेब आधारित पोर्टल शुरू किया है, जहां किसानों को बाजार कीमत और तकनीक से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। सरकार ने किसान SMS पोर्टल और संदेश पोर्टल जैसी योजनाएं शुरू की हैं, जहां किसानों को स्थानीय भाषा में स्वचालित और निःशुल्क जानकारी दी जा रही है। यही नहीं, साथ ही में इसमें किसानों के लिए जो कि अनपढ़ हैं, उनके लिए वॉइस SMS का भी प्रावधान है। बातें करना हो या हो दोष लगाना, आसान सभी पर इतना भी कम था अगर तो कर दिखाते कुछ जो रफ्तार को सत्ता में अभी। पिछले 9 वर्ष जवाब देना चाहते हैं योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड इत्यादि सबका साथ सबका विकास करते हैं। सत्ता दल के समक्ष हमारे अन्नदाता किसानों की तरफ से कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। खुद को आज थोड़ा और सींचता हूँ, अपने फलों को, अपने इन खेतों को इस गहरे खून से सींचता हूँ। बच देता हूँ तुम्हारा पेट भरने से पहले अपनी ज्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे। 2019-20 में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में 10,280 किसान आत्महत्या के मामले दर्ज हुए गए हैं। 2017 और 2018 ये दो वो वर्ष हैं जिसमें लगभग हर दिन 5 से भी अधिक किसानों ने आत्महत्या की। और फिर those who are not in favor say no. No. So the majority of the members say aye. So I can. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। था मेरे पास गुलाल, जिसके पास जो था उसने दिया। हमारी सरकार इस बात का प्रमाण है कि हम बड़े लक्ष्य तय करते हैं, उन्हें हासिल करते हैं और फिर उससे भी बड़े लक्ष्य हासिल करते हैं। सकारात्मक बातें होती, कुछ सकारात्मक सुझाव आते, लेकिन हर बार की तरह आप सब ने देश को निराश किया। प्रश्न पूछने के लिए नेता तो बदल गए, लेकिन टेप रिकॉर्डर वही बज रहा है। चुनाव का वक्त है, कुछ नया करते, कुछ नया संदेश दे पाते, उसमें भी फेल हो गए। हमने पहले कार्यकाल में पिछली सरकार के घट्टे, अगले कार्यकाल में नए भारत की नींव रखी और अब हम अगले कार्यकाल में अपने भारत की निर्माण को करेंगे। हमारा ये वादा है कि चुनाव के बाद फिर सरकार बनाकर हम अपना पूर्ण बजट सामने लाएंगे। विपक्ष ने एक बार जो संकल्प लिया है, इसकी भी मैं सराहना करता हूँ। इनके भाषण की एक एक बात से मुझे देश को अगले 1000 वर्षों तक समृद्ध और सिद्धि की शिखर पर देखना। इसीलिए इस पवित्र सदन में मैं वादा करता हूँ कि जिसे जो आरोप लगाना है लगा ले, देश को लूटने नहीं दिया जाएगा। ये भले ही गलतियां करके गए, परंतु हम मुसीबतें झेल कर भी गलतियां सुधारने के लिए तैयार हैं। हमारे लिए नेशन फर्स्ट ऑलवेज। भारत के जीवन में ये एक बहुत बड़ा अवसर है। राजनीति अपनी जगह होती है, आरोप प्रत्यारोप भी अपनी जगह होते हैं, परंतु देश से बढ़कर कुछ नहीं। इसीलिए मैं देश निर्माण के लिए आपका सहयोग चाहता हूँ, पर अगर आप सहयोग नहीं दे सकते, अगर आपके हाथ केवल ईंट फेंकने के लिए उठ रहे हैं, तो आप लिख कर रख लीजिए आपकी हर फेंकी ईंट को मैं विकसित भारत की नींव में लगाऊं। कोई रोटी कपड़ा मकान के लिए ना तरसे, कोई युवा अदद नौकरी सम्मान के लिए ना तरसे। हर जिले का अपना एक उत्पाद हो, राष्ट्र पहले,
हर चीज उसके बारे, हर शहर स्वच्छ साफ सुथरी गंगा मिले, कोई मंगल पर जाए वहां पहले से तिरंगा मिले, और संकल्पित हो जाएगा 2047 से पहले ही ये भरवा विकसित। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल धितरंगे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए जन गण मंगल मुझे ज्यादा खुशी होगी अगर आप लोगों को ये सब कुछ पता होगा कि ये विषय जैसे साउथ चाइना सी है, GDP क्या होता है, ग्रोथ रेट क्या होता है, अगर सभी चीज़ें आप समझ भी हो पता भी हो तो इस देश को कोई चिंता नहीं है और विकसित भारत 2047 जरूर करें। The conventional politics has changed. The politics of past will not survive. आगे नहीं चलेगी। ये जो आगे हमारा विकसित भारत आगे देश आ रहा है, इसमें we need people who understand what is artificial intelligence, what is the impact of artificial intelligence. उसके लिए जो conventional politicians थे हमारे वो नहीं चलेंगे। जो जन्मों से generation से politics करते आएंगे, they will not survive. We need people like you. We need brilliant people in politics. देश को सिर्फ डॉक्टर्स इंजीनियर्स और प्रोफेसर्स की जरूरत नहीं है, वी टेक बजट सेकंड फेज, सेकंड और फर्स्ट फेज में 2.9% कैंडिडेट्स आर द फीमेल कैंडिडेट्स, वी हैव इन 2019-29 33% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर पार्लियामेंट फॉर वुमेन, सो एवरी लेडी हैज स्पोक कम इन पार्लियामेंट टू कम इन टू पॉलिटिक्स एंड सर्व दिस कंट्री। जो लोग इसमें अच्छे लोग होंगे पॉलिटिक्स में आएंगे डेवलपमेंट ऑफ द नेशन। सभी को धन्यवाद कहता हूँ, शुक्रिया कहता हूँ, वंडरफुल, आई वाज सो हैप्पी टू सी दिस पार्लियामेंट। ऑब्वियसली इट मस्ट हैव टेकन लॉट ऑफ प्रिपरेशन, इट्स नॉट ओवरनाइट व्हाट हैव हैपेंड, इट मस्ट हैव टेकन सम क्वाइट सम टाइम इन दिस प्रिपेयरिंग, क्योंकि जो बजट है नॉट मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट दिस पॉलिटिक्स, नॉर्मल पॉलिटिक्स, बजट इज अ टेक्निकल मैटर, इसमें GDP कितना है, व्हाट जो ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया, हाउ रूपी कम्स एंड हाउ रूपी गोज, देश को पैसा कैसे आता है और पैसे कैसे जाता है, ये हर एक जन को पता होना चाहिए, हर एक आदमी को पता होना चाहिए, सो दैट हमारा भी बिलोंगिंगनेस रहेगा देश के साथ, हम अगर किसी कोई सर्विस यूज़ करते हैं तो कोई पैसा आता भी है, तो हमने भी अपने हिसाब से इस सर्विस को ऐसे यूटिलाइज करना है सो दैट वी आर नॉट मिस यूजिंग पब्लिक मनी विच इज एक्चुअली हमारा पैसा। बहुत बहुत शुक्रिया स्पेशली आपका टीम और गुरप्रीत मैडम और उसके टीम के साथ जिन्होंने इसके साथ काफ़ी मेहनत की है, ऑब्वियसली वंडरफुल, दे मस्ट हैव गिवन लॉट ऑफ एनर्जी एंड टाइम टू दिस, और हम चाहें कि ऐसे ही कहीं लार्जर लेवल पर ऐसे डिबेट हो जाए तो उस पर बाकी स्टूडेंट भी हो, सो दैट दे ऑल्सो अंडरस्टैंड वॉट पॉलिटिक्स इज एंड वट वी नीड टू डू फॉर दिस विकसित भारत। थैंक यू, थैंक यू सो मच। Hemang Dotha, NSS program of NSS coordinator, University of Jammu, for sharing her words with the students regarding the program and regarding the tremendous amount of activities she is carrying on as a NSS coordinator of the University of Jammu. A very good afternoon to each one of you. Our respected principal sir, my colleague from the university, Professor Savita Nair, Dr. Gurpreet, our NSS program officer from the college, one of the units from this college, other faculty members and dear students. I am really delighted to see each one of you performing so well, because I think the activities like this, they not only are just a name in terms of an activity, but they somewhere inculcate the whole knowledge among you. I'm sure for this youth parliament you must have undertaken lot of exercise, lot of the reading must have been there, lot of googling must have been there,
So somewhere this all has helped you not just to gain knowledge, but also to have that confidence level. And this knowledge and confidence is what I say will form a Viksit Bharat. And also, somewhere I could see that these kind of programs also enhance the speaking skills of the students. And I hope that in the coming future, because this program is a part of the Ministry of Parliamentary Affairs, but the programs like this, wherein the speaking skills of the students can be enhanced. So I would request the college also, and at my own level, at the university level, at the office of the program coordinators level also, we will also try to have more debates, more discussions at the university level, wherein we can involve the college students. And lastly, I would also like to say is, these kind of programs also helps you to understand the structure and functioning of an institution. चाहे आप इसका एक मॉक ही कर रहे थे बट देन इन अ वे यू वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एग्जिस्ट एट द नेशनल लेवल सो आई थिंक लॉट ऑफ टाइम हैज ऑलरेडी बीन देयर नॉट टेकिंग मच ऑफ योर टाइम आई वुड ऑल्सो से दैट आई होप मैक्सिमम ऑफ यू मस्ट हैव बीन द एनएसएस वॉलंटियर्स ऑल्सो सो आई एम वेरी ग्लैड टू सी एनएसएस वॉलंटियर्स पार्टिसिपेटिंग इन दीज एक्टिविटीज ऑल्सो बिकॉज Ever since I took over as the program coordinator, I could see students performing cultural programs. So apart from this, today I am very happy and I congratulate the principal of the college and also the program officer to hold such kind of a program and had also given me an opportunity to witness the hidden talent of my NSS volunteers. Thank you so much. In vibrant shape under the leadership of ma'am. She has been available on every single call, attending her own duties in addition to the program coordinator. Ma'am, we are highly thankful to you that you have spared your time of your totally busy schedule. Now I would request Dr. Savita Nair, Professor, Department of Law, University of Jammu, to share her expertise with the students regarding this interim budget as an expert of law. Respected Principal, Dr. Hema Gandotra, and Dr. Gurpreet, and the faculty members and dear students. Today I witnessed this youth parliament competition as an expert, and I will congratulate all of you as well as the principal and the staff for organizing such a wonderful event in the college. As I was also the coordinator of youth parliament competition from the ministry few years back, and I conducted this youth parliament in the university for the university students. So the enthusiasm which I have witnessed today, with that I am really overwhelmed. And your skills, your presentation skills, as well as your preparation of content is also really very, very good. And some students performed so well that I can see the leadership skills as well as the future legislators in you. And I hope that with this enthusiasm, you will serve the society, whatever role may be assigned to you or whatever path you may choose in future. And these skills as well as the research which you have conducted, although that is under the mentorship of your teachers, but still your search skills are also very good, because the budget is presented here by the finance minister, by the prime minister, how the prime minister presented the skills, that how he has to behave in the parliament, and how the leader of opposition and various ministers and the various members of opposition, how they conducted themselves in the house, that is also really very, very good. Here is some here we have to show the difference. Why these competitions are being organized? In order to inculcate the skills of patience in the youth. Because in real parliament, what happens, or the real house, what happens? One person is not ready to listen to other member. That's why these competitions are being organized, and you have to show the patience to listen to the other member. You don't have to make it a fish market, but you must have the patience to listen to the other member and
to speak. So, whenever you organize yourselves anywhere, in office or in any house, or sometime you may with the legislature in the state or in the parliament, you must know your limitation. Yeah, whenever your turn comes, then only you have to speak so that the other persons may be able to listen what the other member is saying, right? Otherwise, your students have really performed very, very well, and I congratulate each one of you as well as the team behind the scene, that is your principal as well as the faculty members, Dr. Gurpreet Kaur especially, who made this day a wonderful day. Thank you. For being the part of the forwarding programs, we are next year, ma'am, we are already registered for fourth year of National Youth Parliament, and we are proposing Panchayati Raj Act 1989, an amendment that is still pending in Lok Sabha and Rajya Sabha. We'll be holding debate on that most probably in the month of August. So we will look forward to you ki aap tabhi apna time thoda sa hamare liye nikalo. Thank you so much. The combination of the speaking skill, combination of the content, combination of the presentation, and combination of your role, what your role you have been assigned. ठीक? So जिनको भी ये जज किया गया है, you know it is very hard कि सबको ही स्टेज पे फर्स्ट या सेकंड दे दिया जाए. All of you will be getting the certificates duly signed by the Secretary Ministry of Parliamentary Affairs, Government of India, whosoever is a part of this program, irrespective of the position she is holding in the Parliament. So all the member parliaments are equal if we ignore the portfolio. This girl is speaking for the very first time. For the very first time. The first Minister of Agriculture. Second prize goes to Prime Minister. She has been the part of every youth parliament from the state. Samne. And ma'am, she has represented UT of JNK in Lok Sabha also. Can you come talk? She crucially played the leader of opposition role. I request all the jinko bhi prize mila hai to come on the stage for a good program. सामने. थैंक यू वेरी मच मैम. थैंक यू सो मच मैम. सर प्लीज सर्टिफिकेट्स ऑफ कोर्स. तो ये जो हार्शनेस होती है ना बेटा, दिस इज काइंड ऑफ इनबिल्ट सबॉर्डिनेशन जो हमारे दिमाग में होती है, होनी नहीं चाहिए, बट इट इज देयर. जब अपने स्टूडेंट्स को देख के लगता है ना, तो ऐसे फील होता है कि इसको मैं कुछ भी कह सकती हूँ, है ना. So what you cannot take others for granted. So my who have attended this program, सारी क्लासेस छोड़ के they have been here. मुझे लगता है कहीं कहीं रिफ्रेशमेंट भी उनकी मोटिवेशन थी, but the real motivation of youth parliament. I'm looking forward to the next session, and with these words I will now request Savita ma'am to please come on the stage for a formal vote of thanks. महोदय, राजकीय महिला विद्यालय परेड श्रीमान रविंद्र त्रिपुर जी, आदरणीय निर्णायक मंडल की सदस्य, राष्ट्रीय सामाजिक सेवा की संयोजक जम्मू विश्वविद्यालय, डॉक्टर हीमा विंडोत्रा और डॉक्टर सविता नायर, लॉ एक्सपर्ट लॉ स्कूल जम्मू विश्वविद्यालय, मेरे सभी सहकर्मी और हमारी प्यारी छात्राओं, आज हम सभी के लिए ये बहुत शुभ दिन है. आज हम सब राष्ट्रीय युवा संसद के तीसरे संस्करण के कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं. मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ. आपने अपने अति व्यस्त क्षणों से हमारे लिए ये समय निकाला. हमारे आज के इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हम राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान कर सकें जहाँ पर हमारे युवा वर्ग के लोग अपने विचारों को पूरी पूरी आज़ादी के साथ सामने रख सकें. राष्ट्रीय युवा संसद एक ऐसा लोकतांत्रिक मंच है जो युवाओं को एक ऐसा सुनहरा अवसर देता है जहां वह अपने राष्ट्र के प्रति अपनी संवेदनाओं, अपनी भावनाओं, अपने नए रचनात्मक विचारों को खुले मन से प्रस्तुत कर सकें. इस कार्यक्रम का एक और उद्देश्य यह भी था कि हम
ऐसे युवा तैयार कर सके जो भारत का भविष्य में मार्गदर्शन कर सके, जिसकी बात सविता मैम ने अपने विचारों में प्रस्तुत की कि वो देख पा रही हैं यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर्स, पंच, सरपंच, भावी भविष्य में आने वाले MPs, MLAs। तो हमारे आज के जूरी मेंबर्स का मैं एक बार पुनः पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे स्टूडेंट्स का उत्साह बढ़ाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः पुनः आप सभी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। This youth parliament for the third consecutive year. With these words, I request all the students to go for the refreshment to our guests for a cup of tea and a very modest refreshment in the principal chamber. And आप बच्चों, आप जैसे ही जाओगे ना मोहित को स्वाति दे रही हूँ। In that case, you are supposed to provide to Savita ma'am your name, father name, mother name, date of birth, email ID, mobile number, one passport size photograph less than 1 MB.